बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शहबाज वड़ाच और आप देख रहे हैं शहबाज तैमूर। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मैं डेरे पर आया हूँ। वहाँ पर बोर चल रहा था, वहाँ पर नहाया हूँ, साथ उस साइड पर आवाज़ भी आ रही होगी। अभी मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ कि सामने से रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है, पीछे इस दीवार के साथ वीडियो ठीक आएगी। रात को एक अगेन वीडियो आई है जिसमें स्वीटी और मोहसिन के बारे में बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए हैं। हम उन्हें मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ही कहेंगे, क्योंकि जब तक दूसरी तरफ का मौक़िफ़ नहीं आएगा तब तक आप इल्ज़ाम को इल्ज़ाम ही समझते हैं। और हम, जैसे मैं पहले बताता हूँ कि हम यहाँ पर अपना तजिया देने के लिए हैं, रिएक्शन देने के लिए हैं, ना कि जज बने में बैठे। तो कल जो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था, वहाँ जो हमारी एक अमेरिका से सिस्टर हैं जो प्रूफ दे रही हैं, वो अब क्या है कि अंबरनाज या कुकिंग विद शबाना के कहने पर कर रही हैं, या उनका वो अपना गुस्सा है क्योंकि मोहसिन ने उन्हें बहुत गलत अल्फाज उनके लिए बारे में इस्तेमाल किए थे। और जिस तरह के आप जानते हैं कि किसी औरत के बारे में इतने घटिया अल्फाज कोई भी इंसान जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपना बदला लेने के लिए, या उनकी मोहब्बत है अंबरनाज और कुकिंग विद शबाना वालों के साथ, तो उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोज़ प्रूफ के तौर पर मंगवाई हुई है। जैसा कि वो कहती हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं पैसा फेंक तमाशा देख, मैं पैसा फेंक रही हूँ, मुझे प्रूफ मिल रहा है। अभी उन्होंने स्वीटी और एक अकरम है उनके बारे में जो एक नया बंडरोबक्स खोल दिया है कि स्वीटी सारी सारी रात उस अकरम से बात करती रहती है, उससे पैसे भी मंगवाती है, लाख रुपये उससे उसके खा चुकी है। और इस चीज़ का जो है वो उसके शौहर को भी पता है, शौहर को भी उसने उल्लू बनाया। और एक बेड पर एक साइड पर बैठते हैं तो स्वीटी उस अकरम नामी शख्स से चैट करनी शुरू कर देती है, बातें करनी शुरू कर देती है। दूसरी साइड पर उसका खावंद उस कंप्यूटर से बातें करना शुरू कर देता है। ये इल्ज़ाम हैं क्योंकि प्रूफ इनके हमारे पास नहीं है, ना उन्होंने प्रूफ दिया, लेकिन वो ये कहती हैं कि मैं इनकी आपको रिकॉर्डिंग भी सुना सकती हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जब मुझे इजाज़त मिलेगी कि आप रिकॉर्डिंग सुना लें, मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी। हमें नहीं पता कि उनके पास रिकॉर्डिंग है या नहीं है, लेकिन यह है अभी तक उन्होंने बात ही की है। और दूसरी तरफ से स्वीटी ने भी कुछ टके लफ्ज़ों में इस चीज़ की तरदीद की है और ये कहा है कि हमारे पास कुछ लोग हमारे ऊपर बकवास कर रहे हैं, हम मुझ पर, मेरी फैमिली पर, और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब दूसरी तरफ से जो बहन है अमेरिका वाली, जिन्होंने जो वीडियो अपलोड कर रही हैं उनके खिलाफ, उनका मौक़िफ़ है कि हमारे पास सबूत भी हैं और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि ये लोग किसी को स्वीटी या उसकी फैमिली या मोहसिन या उसकी बहनें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो यह तो इस साइड का मौक़िफ़ था। अमेरिका वाली अपना गुस्सा उतार रही है बहन, या अंबरनाज और शबाना आंटी के कहने पर यह सारा कुछ कर रही है। मुझे एक बंदे ने कमेंट किया है और वो उसने कहा है कि नहीं, ये सारा कुछ जो है ना वो अंबरनाज करवा रही है, इसके पीछे अंबरनाज का हाथ है। वो खुद तो सामने नहीं आ रही, उसने इस अमेरिका वाली आंटी को सामने कर दिया है, तो वो लोगों को इस तरह बदनाम कर रही है। अब ये है कि देखना यह है कि अंबरनाज की तरफ से कोई मौक़िफ़ आता है, इस चीज़ का तरदीद आती है कि मैं नहीं कर रही, या वो खामोश रहती हैं। खामोश रहती हैं तो इसका मतलब है वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि इसी तरह खामोशी नीम रजामंदी होती है। और बाकी रह गई स्वीटी और मोहसिन की बात, अभी तक वो खामोश हैं। अगर खामोश रहते हैं तो ये उनके लिए भला है, क्योंकि अगर वो भी इसी तरह शुरू हो जाएंगे तो मज़ीद जो है ना बात ख़त्म नहीं होगी, बात फैलेगी। तो अभी उन्होंने, अमेरिका वाली आंटी ने ये कहा है कि मैं प्रूफ दूंगी, मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी आप लोगों को। ये तो तब भी होगा जब उन्होंने कहा कि हमें, अगर मुझे इजाज़त मिली तो, देखते हैं उन्हें इजाज़त मिलती है कि नहीं। तो जैसे नहीं कोई अपडेट होगी मैं आपसे शेयर करूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।